इंजन किल स्विच ऑफ किया था ऑन। ऑल गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम दिखाने वाले हैं अपने BS6 बुलेट स्टैंडर्ड 350, जिसका ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम पहले 500 किलोमीटर का। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले 500 किलोमीटर में हमें कैसा एक्सपीरियंस रहा। और एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि लाते ही हमने आई थिंक 40-50 किलोमीटर ही चली थी, उस पर हमने टाइप्स ये सी टाइप बेंड लगा दिया था, लॉन्ग पंजाब एग्जॉस्ट लगा दिया था, मतलब हमसे नहीं चलाई गई भाई स्प्लेंडर बराबर बिल्कुल भी। तो हमने BS6 स्टैंडर्ड ली थी हम 30 जून को, आज ऑलमोस्ट एक महीना तो नहीं हुआ लेकिन कह सकते हैं ऑलमोस्ट एक महीना ही हो गया है, एक दो दिन रहते हैं। इस एक महीने के अंदर हमने चला ली है इसको 757 किलोमीटर्स एक्चुअली। तो अभी इसकी पहली सर्विसिंग करानी है, 500 किलोमीटर उन्होंने तो रिकमेंड की थी, टाइम नहीं लग रहा है आजकल में, जब हो सकता है करा ले इस हफ्ते के अंदर अंदर। ऑटो आ रहा अब, मैं 500 किलोमीटर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि हमें कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल स्टैंडर्ड लेने के बाद। हमने 30 जून को डिलीवरी दी थी इसकी, हमने इसकी टेल लाइट चेंज कराई थी, एग्जॉस्ट चेंज कराया था, ये कराया था, एक स्टिकर विकर लगवाया था, लैमिनेशन कराई थी, बस इस सब में हमारा ही खर्चा यही आ गया था। इसका सी टाइप का बेंड का अपना 1100, एग्जॉस्ट आई थिंक 1400, लैमिनेशन 500, स्टिकर 100-150-200 रुपये का और मान लो। हैंडल थोड़ा सा इसका नीचे करवाया स्टैंडर्ड का, आप लोगों को पता थोड़ा सीधा आता है। तो यही मेरे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले लगी इनिशियली लाते ही, रिक्वायरमेंट्स तो क्या ही है, नेसेसिटी लगी क्योंकि टैंक पे सच में बहुत ज़्यादा स्क्रैच लगते थे, हैंडल सच में बहुत ज़्यादा अपराइट था। तो अगर आप भी स्टैंडर्ड लेने की सोच रहे हैं तो मेरा सबसे पहला सजेशन यही होगा कि ये चेंजेस कराएं, क्योंकि इससे बाइक शोरूम से रेडी होते मतलब निकलते ही आपको रेडी लगेगी कि हाँ इतनी है तो मैं चला सकता हूँ डेली बेसिस पे। तो ये हमने सबसे पहले चेंजेस कराए थे। अब माइलेज की बात कर लेते हैं, तो अब मैं आपको रियलिस्टिकली बताऊं तो लाते ही मैंने फुल टैंक कराया था। फुल टैंक कराने के बाद चली होगी ये पता नहीं कितना, मतलब 12 लीटर करीब कुछ 12-12.5 लीटर टैंक आया था इसमें, टोटल में 13 लीटर का टैंक होता। फ्यूल उनने दिया था 0.5 लीटर, कहते हैं 2-3 लीटर चूतिया बनाते हैं, 0.5 लीटर फ्यूल दिया था उन्होंने, 12.5 मैंने भरवाया था। अब मैं एग्जैक्ट एवरेज तो इसकी कैलकुलेट करी नहीं है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ लोकल में चलाते हैं इसे, जिसके बाद मैं आपको एक बता सकता हूँ कि जो एवरेज ये दे रही है, अभी पहली सर्विस नहीं है, नहीं हुई है, एग्जॉस्ट हमने लाते ही बदलवा दिया था, बैंड भी लाते ही हमने साथ में लगवा लिया था, 50 किलोमीटर भी मुश्किल ही हार्डली चली थी। तो इस बैंड पाइप पे इस एग्जॉस्ट पे हमें ये एवरेज दे रही है लोकल के अंदर। मैं 500 का तेल डलाता हूँ, 150 किलोमीटर चलती है तो सीधा 29-30 की एवरेज दे रही है सिर्फ लोकल के अंदर। इसको हाईवे पर हमने कभी चलाया नहीं है, एक बार ही बाहर लेके गए थे तो आप मान सकते हो 35-40 के बीच में तब देती है, लेकिन लोकल में अच्छी 30 की एवरेज दे रही है। अभी हमने कुछ इसमें अलॉय नहीं लगवाए हैं, मोटा टायर पीछे चेंज नहीं कराया जो कि हम करने वाले हैं, उसके बाद भी मैं बताऊँगा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और माइलेज में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये हो गया माइलेज, चल चुकी है 557 किलोमीटर्स। पहली सर्विस पे कितनी कॉस्ट लगेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, आई विल बी डेफिनेटली मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। और फिलहाल के लिए हम इसमें अलॉयज लगवाने वाले हैं, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि दो अलॉयज मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं फ़ोटोज फिर से लगा दूंगा, जो आप लोग बोलेंगे वही करा लेंगे हम, तो दोनों का ही मन है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक करा लें फिर थोड़े दिन बाद दूसरे भी लगवा लें, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बदलवा लेंगे। तो यही मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। हाँ, गंदी का ये है कि ब्लैक कलर है, थोड़ा साफ रखना पड़ता है, जो कि अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें इस चीज़ का कि रोज़ एक छोटू लगवाना ही पड़ेगा आपको, जो कि रोज़ कपड़ा मारे। ब्लैक पे मिट्टी बहुत जल्दी चिपकती है और साफ़ दिखती है। हाँ, जो क्रोम पार्ट्स हैं वो इतनी जल्दी गंदे नहीं लगते, वो थोड़ा साफ़ रखते हैं। अभी क्या बारिश का मौसम चल रहा है तो ओवरऑल गंदी रहती ही है। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा जो कि स्टैंडर्ड के अंदर आप स्पेशली नोटिस कर सकते हैं, जो कि है इसका रियर टायर।
आगे का टायर आता है 1990-90-19, पीछे का भी आता है 90-90-19, जो कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। बारिश का मौसम चल रहा है, रियलिस्टिकली बता रहा हूँ, पीछे से बाइक स्लिप करती है। आपको यकीन नहीं होगा, आप बोलोगे कंपनी क्यों दे रही है ये और वो, ओवरऑल एवरेज गिरेगी, लेकिन इसके अंदर एक नेसेसिटी है पीछे चौड़ा टायर लगवाने की। 90-90-19 इस बाइक के लिए सच में बिल्कुल अच्छा नहीं है। रॉयल इनफील्ड आप सुन रहे हो तो आपको भी मैं ये बात बता दूँ कि ये चीज़ हटा दो, इतने पतला टायर इस बाइक के लिए बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। हंटर जैसी आप छोटी बाइक में भी 140 का टायर दे रहे हो, क्लासिक में आप 120 का दे रहे हो, इसके अंदर आप 90 का दे रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस पर्टिकुलर बाइक के लिए जितना इसका वजन है। और साइलेंसर की मोटाई से ही जब जान लोगी, साला साइलेंसर मोटा लग रहा टायर से, तो समझ ही जाओ कितना मोटा पतला टायर है ये। मतलब मेरे पे फैट बाइक थी, उसका साइकिल का टायर भी इससे मोटा था, और ये बुलेट है। थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए इस बात में। ऑब्वियसली हम तो इसे चेंज कराएंगे, लेकिन ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ तो फिर न्यूट्रल रह के बता रहा हूँ। बाइक बहुत अच्छी है नो डाउट, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है।